अभी जब एक महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो, इसका लाभ क्या होगा। हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ, तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना। एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं, इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं सात दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं, ऐसा आनंद नहीं मिल सकता। ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है, अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा, क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता, पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही